back guys to the another vlog. Hope all are doing good. So guys, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, हमें अपने साइकिल के साथ रास्ते पे, तो मतलब अब से ये सीरीज एक बना रहा हूँ MTB साइकिल के साथ, मतलब ब्लॉगिंग सीरीज, मतलब एग्जैक्टली MTB नहीं है, पर हम इसे MTB बता दे रहे हैं. और हम आज गाइस आपको दिखाने के लिए निकल पड़े हैं घर से. जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं हम कहाँ पे आके बैठे हैं. तो यहाँ पे ईजे पार्क, हम आए हैं इधर से, रोइंग टाउन इधर से जाता है. और यहाँ से देखिए आप लोग जैसे देख सकते हैं ऊपर माइटिया, मतलब ये सीधा जाएंगे तो देवपानी 6 किलो, सैली लेक, माइटिया वाइटिया सब मिलेगा आपको, ठीक है. आनीनी वानी सब उधर जाया जाता है. और इधर को जाता है यात्री निवास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी अगर कोई बाहर से आते हैं और होटल नहीं मिलता रोइंग टाउन में, तो वहाँ पर रह सकते हैं, भले थोड़ा दूर हो जाए पर अच्छा है सर्विसेस. सो या, तो आज हम जाने वाले हैं लेफ्ट साइड, सीधा नहीं, लेफ्ट साइड हम लोग जाएंगे. यहाँ से बाईपास निकलता है, वो बाईपास होके, वो बाईपास मतलब हम देखना चाहते हैं कि आज वो बाईपास कहाँ जाके ख़त्म होता है और कहाँ से निकलता है, ठीक है. तो यात्री निवास भी आपको होते हुए जाएंगे हम, तो आपको दिखाएंगे उसका व्यूज़. तो एग्जैक्टली हमको बाईपास जानना है कि वो वाला बाईपास जो इधर जाता है वो कहाँ, मतलब कहाँ से घुसता है जो यहाँ से निकलता है, ठीक है, या फिर हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ निकलता है वो देखना चाहते हैं, रोइंग टाउन का कितना नीचे. तो यही है आज का ब्लॉग, दिस इज ऑल अबाउट विद माय मोंट्रा बैकबीट, ठीक है. तो अब हम आपको इसका व्यूज़, इससे व्यूज़ देंगे, जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे लगा लिए हैं, तो यहाँ से भी आपको व्यूज़ मिलेगा आगे का रास्ता का, क्योंकि साइकिल चलाते समय तो मैं ब्लॉगिंग ना करूँ. सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना जर्नी. तो बाय द वे अभी का टाइम हो रहा है सुबह का 5:49, तो देखते हैं सच 5:51 से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कितना बजे वहाँ पहुँचता हूँ. ओके, बताया था यात्री निवास, वहाँ पे भी लिखा गया है, ढक गया था अब जंगल से, वो अलग बात है. तो ये है उसको सीवंडी विंड्स यात्री निवास बोलते हैं. और ये है सब घर, देख सकते हैं अलग अलग क्वार्टर टाइप का है, टैंकी उनके सब है, इधर ही कपड़ा खाना पीना फूडिंग लोडिंग सब इधर ही मिल जाएगा. और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं अभी फिलहाल के लिए. तो ये देखिए एक 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 इस तरह से, मतलब है अलग अलग क्वार्टर टाइप का रूम ना सबके लिए अलग. तो ये देखिए हार्डली आधा किलोमीटर है शायद वो वाला रास्ता, वो गेट से, तो वहाँ से हमें आधा किलोमीटर के अंदर लेफ्ट राइट साइड पे आपको ये मिल जाएगा. ओ भाई सन राइज हो रहा था, क्या बढ़िया लग रहा है व्यूज, पीछे का पहाड़ लोग देखिए, इधर देखिए. यात्री निवास से वही हार्डली आधा किलोमीटर के अंदर, और एक तो ये मिलता है यूथ हॉस्टल बोल के, ये भी एक हॉस्टल की तरह ही है. देखिए यहाँ पर लिखा है एड्रेस भी, और मतलब इसमें मेरे ख्याल से हॉस्टल है तो ऑब्वियसली कोई आएगा तो इसमें भी रहने पीने का खाना पीने का इंतज़ाम होता है,
पर पता नहीं किस लोगों को, पब्लिक के लिए होता है ना या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है ना, जो मतलब खेलने आते हैं बाहर से उन लोग के लिए होता है ना, क्या के लिए होता है, पर होता है। ये गाइस यहाँ का पावर ग्रिड, पावर सप्लाई देने का जगह। आगे से मैं दिखाऊं तो मेरा ही। ओ भाई ये भी नीचे, ओ ये घूम के आया, नीचे नहीं पहुंचा। ये हॉर्न और तो लाइट का काम करते। ओ भाई धूली देखे। तो ये मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर हफ्ते आपको इस तरह का मतलब मेरे साइकिल के साथ कहीं कहीं नया नया जगह जगह जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे जितना जगह है उतना कोशिश करूँगा आपको कि नया नया जगह आप लोगों के लिए हो। ऑब्वियसली यहाँ रहने वाले के लिए तो नहीं होगा, फिर भी अगर जैसे कि ये रोड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग आए होंगे, ज़्यादातर को पता होगा यहाँ से निकलता है। हमको जो इंटेंट मिला था कि यहीं से निकलता आपके बताया गया था, और हाँ यहीं से निकला भी है। या सो तो आपको ये सीरीज़ कैसा लगेगा या फिर लग रहा है फिलहाल इस एपिसोड तक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भी अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहते हैं कहाँ जाऊँ पहले, तो उसका मेरे को कमेंट में बता दीजिए, तो उसी हिसाब से मैं इसको प्लान करूँगा। और फिलहाल के जैसा मैं सोचा हूँ उस हिसाब से तो मैं चलते रहूँगा। अगर कोई नया कोई कमेंट करके बताते यहाँ जाओ तो पहले मैं वहीं जाऊँगा, उसको पहला प्रेफरेंस देके। सो या गाइस चलते हैं ऊपर टाउन की ओर। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास से निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम में अपन पहुँचते हैं। ओके गाइस, सो day 1 और episode 1 इज़ डन एंड हम देखिए पहुंच गए फिर से जनरल फील्ड। और टाइम हो रहा है आपके 6:35, मतलब 5:50, वही आधा घंटा ही पकड़ लीजिए। तो हमने आपको दिखाया वो जो भी हाईवे है वहाँ से बाईपास सीधा देवपानी पे निकलता है वो। सो जिससे कि आपका टाइम तो मेरे को पता नहीं, टाइम मेरे ख्याल से हमको इतना लगा क्योंकि रास्ता ऐसा ख़राब था, पर अगर गाड़ी में जाएंगे तो ठीक ही लगेगा शायद,
उधर से बस आपको ट्रैफिक अवॉइड करना पड़ेगा, बस वही है मेरे ख्याल से। तो एक ही बात है डिस्टेंस के मुकाबले, लेकिन टाइम आपको टाइम मिलता है, ट्रैफिक आपको वहाँ पे कम मिलेगा। बाईपास ऑब्वियसली बाईपास रोड होते हैं इसके लिए कि आपका टाइम को थोड़ा कम किया जाए वहाँ पहुँचने के लिए, जो जगह आप जाना चाहते हैं डिस्टेंस जिसका बाईपास है ऑब्वियसली, और ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए। सो यार काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस रहा, और जैसे ये सीरीज़ में हमेशा न्यू एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको, नए नए जगह का व्यूज़ मिलेगा।